गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग फॉर अस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज. ओके, थिन शीट ऑफ चार्ज विच इज इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड. ओके, mean now due to this particular sheet we will be finding electric field intensity at any point. Okay, so considering a thin sheet of charge, thin sheet, okay, having charge positive, this sheet is infinitely extended this way as well as this way, complete plane. अब याद करो इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा था. अगर हम ध्यान दें तो इसका जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था, ओके, ये यूनिफॉर्म फील्ड बना रहा था जो इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड था. यूनिफॉर्म फील्ड ऑन बोथ साइड्स लाइक दिस. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन पैरेलल लाइंस. तो दिस टाइप ऑफ फील्ड ऑन बोथ साइड्स, दिस वे ऑल्सो द सेम. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस वे सेम. ओके, यूनिफॉर्म फील्ड है. यूनिफॉर्म फील्ड मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नॉट बी वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरिएट नहीं करेगा, इट विल बी रिमेनिंग सेम. ओके, तो अभी सिचुएशन में सपोज करो दिस इज द पॉइंट एट विच मुझे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो. ठीक, अब टर्मोलॉजी सेम रहेगा. ओके, सबसे पहले मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, बट उससे पहले एक चीज कंसंट्रेट करते हैं. ठीक, केस इस पॉइंट के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसका होगा, चार्जेस का, इसके सामने वाले, थोड़ा बहुत इधर उधर वाले. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक यू नो एरिया मार्क कर दिया, लाइक ये वाला हमारा पॉइंट है, तो इसके सामने वाला एरिया हमने इस तरह से कंसिडर कर लिया. This area we have considered. Maximum contribution to the electric field इसी की जाने वाले. ठीक है, let this area is considering area A on the sheet. ठीक, Q is charge on it. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट कितना बन गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस एरिया, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाय ए. और ये अजम्पशन है, ओके, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज थ्रू आउट सेम. ओके, वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी का चेंज नहीं कर रहा है, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द शीट विच इज इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड. इसको हम सिग्मा से लिख देते हैं लाइक दिस. ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ड्रॉ द सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस. अब इस फील्ड के हिसाब से अगर हम गॉसियन सरफेस का सिमेट्री देखें तो सिलेंडर बनेगा यहां पे ऐसे, ए इस एरिया के सामने कुछ ऐसे, ए ऐसे सिलेंडर ऐसे लाइक दिस. ठीक है, तो सिलेंडर कुछ ऐसे बन गया, ए ऐसे यहां तक सिलेंडर एक्सटेंड किया. ओके, और यहां उसका एंड कैप आ गया. नाउ दिस एंड कैप इज एकोमोडेटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना. ओके, नाउ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, थिन शीट है तो इस साइड से तो ओपन है, इसको एनक्लोज करना है ना, तो क्योंकि गॉसियन सरफेस हैज टू बी क्लोज, शुड बी एनक्लोजिंग द गिवन चार्ज और गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है बेटा,
this way also, that is, you know, like this. अब हमारा जो चार्ज है that is enclosed fully in this surface, and this surface is the Gaussian surface. Okay, जो किस तरह की है, जिसकी shape cylinder. Okay, now divide the whole Gaussian surface in infinitely small parts. Logic कर देते हैं. तो इसको infinitely small parts में हमने divide किया तो कुछ इस तरह के areas बनेंगे. एक area इसके correspondingly, यहाँ पे जो हमारा area vector होगा that will be this way correspondingly. Okay, ठीक है. यहाँ पे जो area vector आएगा, okay, that area vector will be this way, है ना. तो area vector के हिसाब से हम areas assume कर लेंगे. Now another this side curved surface, another this side curved surface. इस curved surface का area mark कर दिया ये वाला area element. Say ये वाला ऐसे होगा, एरिया एलिमेंट विल बी दिस, एंड ये वाला एरिया एलिमेंट विल बी लाइक दिस, है ना. कर्व्ड सरफेस बोथ साइड्स. हम ई और डी एस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंगली बेसिकली एरियाज कंसिडर कर रहे हैं. तो मैंने इस कारण से, अब यहाँ इस सर्फेस की बात करूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ई और डी एस दिस वे होंगे. तो इसका ई वैक्टर जो होगा, ई वैक्टर, ये पॉजिटिव शीट है, लाइन्स आर लाइक दिस, तो ई वैक्टर इज दिस वे, E वेक्टर. और इसका ds वेक्टर भी ऐसे ही है, ओके. और E और ds वेक्टर इस तरह से होते हुए एंगल थीटा कितना बन गया, 0 degree, ओके. नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसका ये पॉजिटिव है, इसका E वेक्टर विल बी दिस वे अलोंग द फील्ड. ये आपका E वेक्टर बना इसके कॉरस्पॉन्डिंगली, कर्व सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंगली. और इसका ds थीटा 90. Everywhere the same thing will be happening. ds इसका normal to the surface होगा और E हमेशा ds के perpendicular होगा और theta 90 होगा. For this surface positive, E will be this way. E this way. ये आपका ds आ गया. Fine. ds area element और E हमारा यहाँ पे आ गया बेटा. Theta is equal to 90 degree. Hope this is clear. Now, इसमें जो E है, E will be this way, positive sheet, E this way, ds this way, okay, ds भी हमारा ऐसे है और E भी इसी तरह से है, तो theta for this area element 0 degree, okay. तो मेरे पास यहां E और ds के combination कितने type की surfaces बन रही हैं. This is one type surface, इसको हमने one type surface कह दिया, ये वाली, ये curved surface हो गई, सेकेंड टाइप एरिया, सेकेंड टाइप सरफेस, ये थर्ड टाइप सरफेस आ गई और ये अपनी फोर्थ टाइप सरफेस आ गई. दीज फोर ओपन सरफेस, ये एंड कैप, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व और ये एंड कैप, ये चारों ओपन सरफेसेस मिलके एक क्लोज गॉसियन सरफेस बना रहे, ठीक. नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है ना. गॉस लॉ अप्लाई करते हुए, ओके, हाउ विल बी प्रोग्रेसिंग, see that, applying Gauss law, applying Gauss law. तो जब Gauss law यहाँ पे apply होगा, okay, तो situation we will be getting close integral of electric field intensity over complete Gaussian surface is equal to, जो ये हमारा point है, empty space में है, 1 by epsilon naught, total charge enclosed by the Gaussian surface, इसके ऊपर हमने चार्ज कितना assume किया था, Q, okay, तो total charge enclosed by the Gaussian surface. Now, this closed integral, okay, this closed surface is made by four open surfaces, already बता चुका हूँ, ये यहाँ पे, one curved, one ये वाला end cap, another curved, फिर ये कर्व्ड सरफेस और फिर ये एंड कैप, ये चार अलग अलग ओपन सरफेसेस हैं जो क्लोज गॉसियन सरफेस बना रही हैं. तो इस क्लोज इंटीग्रल को मैं ओपन कर रहा हूं, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस फर्स्ट सरफेस प्लस ओपन है ना ये, इस कारण से मैंने यहां पे क्लोज नहीं इसको किया,
ई डॉट डी एस सेकेंड सरफेस, ई डॉट डी एस ओके थर्ड ओपन सरफेस प्लस ई डी एस फोर्थ ओपन सरफेस ओके इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट द चार्ज। ठीक है, अब यहां पे अगर आप फर्स्ट सरफेस के ऊपर ध्यान दो, ये हमारी फर्स्ट सरफेस है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, सेकंड पे थीटा 90 फर्स्ट पे ओके, फर्स्ट पे थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, सेकंड पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थर्ड ये वाला है इस पे भी थीटा 90, थर्ड पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड फोर्थ थीटा अगेन जीरो डिग्री, थीटा जीरो डिग्री ओके। अब इन इंटेग्रल्स को ठीक है ओपन करते हैं, इन इंटेग्रल्स को जब ओपन किया जाएगा ओके यू विल बी गेटिंग अ थिंग ऑफ दिस टाइप। नाउ इनको ओपन कर दें, नाउ दिस फर्स्ट फर्स्ट विल बी ये थीटा जीरो है, ई इंटीग्रेशन डीएस प्लस थीटा 90 तो ई डीएस कॉस 90 जीरो प्लस थर्ड ई डीएस कॉस 90 जीरो फोर्थ ई डी जीरो तो ये विल बी ई डीएस ओके इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज क्यू। ये दो टर्म्स बन गई हमारे पास, तो ये बन गया टू E integration ds 1 by epsilon naught times charge q. Now go back to diagram. ds ये surface से correspondingly जो हमारा integral है वो बचा है और ये बचा है, तो जब इसके ds 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 integrate करोगे complete area बनेगा, ये complete area is equal to this complete area और इस area को हमने क्या assume कर रखा है कि this area is A ओके देयरफॉर होना क्या चाहिए, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस शुड बी इक्वल टू ए। ठीक, तो वही सेम थिंग मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ओके इंटीग्रेशन ऑफ डीएस शुड बी इक्वल टू ए, तो ये बन गया टू ई ए वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज Q over 2 epsilon naught A, ठीक है, and this implies E is equal to Q by A over 2 epsilon naught. Fine, mean electric field intensity जो इस sheet के कारण बनेगा, okay, that will be E is equal to Q by A is charge per unit area surface charge density sigma surface charge density divided by 2 epsilon naught। अब देखो ध्यान से, जैसा डायग्राम बता रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल लाइंस थी, पैरेलल लाइंस मीन यूनिफॉर्म फील्ड, वैसा ही तुम्हारा जो डेरिवेशन है वो बता रहा है कि E is not depending on R, as E is not depending on R तो शीट के ऑल अराउंड वी विल बी हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम, इट विल नॉट बी चेंजिंग विद डिस्टेंस। तो अगर इसका ई वर्सेस आर ग्राफ आप बनाते हो, ई वर्सेस आर ग्राफ आप बनाते हो, तो दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। होप दिस इज क्लियर। Now the next thing for us is electric field intensity due to two parallel infinitely extended sheet of charge. ठीक है, हमारे पास दो charged sheet है, okay? One is this, okay? Another one is this. यहां पे दो option बनते हैं, okay? कि sheets are similarly charged, sheets are oppositely charged, okay? पहला केस हम लेते हैं, sheets are similarly charged, okay?
शीट्स आर सिमिलरली चार्ज्ड, शीट्स आर पॉजिटिव मान लेते हैं, चलो पॉजिटिवली चार्ज्ड, दोनों शीट्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके नाउ लेट दिस पर्टिकुलर शीट is having surface charge density sigma 1, this is having sigma 2. Okay, now positive this sheet sigma 2, again positive. तो यहां पे हमारे पास तीन regions बनते हैं. Okay, three regions will be having. Okay, one ये वाला number one region, नंबर टू रीजन, नंबर थ्री. ओके अब इन तीनों रीजन्स में ओके इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, और फिर उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को इस रीजन में भी, इस रीजन में भी और इस रीजन में भी वेक्टोरियली ऐड करके रिजल्टिंग फील्ड हम निकालेंगे. फाइन, चलो सबसे पहले रीजन वन की बात करते हैं. रीजन वन में कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है तो फर्स्ट प्लेट ये रहा. ओके लेट इस पॉइंट की बात कर रहे हैं. ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, ओके दैट विल बी ए पॉजिटिव यूनिट, पॉजिटिव डिस्चार्ज को रिपेल करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, यहां पे यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज प्लेस करेंगे और देन वी विल सी कि ये शीट उस यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज के ऊपर किस तरह से फोर्स लगा रहा है. तो ये उसको रिपेल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट प्लेट के कारण ई वन आ गया. ओके सेकेंड प्लेट विल अगेन बी रिपेलिंग द यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज, तो तुम्हारा ई टू भी दिस साइड, ई टू भी दिस साइड, तो ई वन ई टू वेक्टर्स बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. ई वन इज इक्वल टू सिग्मा वन ओवर टू एप्सिलॉन नॉट एंड ई टू इज इक्वल टू सिग्मा टू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब इस रीजन में पॉजिटिव, ये इस पॉइंट के ऊपर ये पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी दिस वे क्योंकि यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज विल बी रिपेल्ड दिस वे, तो ई वन पहली प्लेट के कारण सिग्मा वन ओवर टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक, सिमिलरली ये पॉजिटिव प्लेट इस पॉइंट के ऊपर जब डिस्चार्ज होगा तो उसको इस साइड रिपेल करेगा, तो सेकेंड प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी दिस वे और ई टू इज इक्वल टू सिग्मा टू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऑपोजिट है दोनों प्लेट्स के कारण. थर्ड रीजन में पॉइंट हमने ये अज्यूम किया दिस पॉजिटिव प्लेट ई वन के पहले वाली के कारण, तो ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज को रिपेल करेगा, दैट विल बी दिस वे, तो ई वन इज इक्वल टू सिग्मा वन ओवर टू एप्सिलॉन नॉट. सेकेंड प्लेट पॉजिटिव, तो ये भी रिपेल करेगा द सेम डायरेक्शन, तो ई टू भी आपका इन द सेम डायरेक्शन बन गया सिग्मा टू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट. ओके नाउ इस रीजन में जो टोटल फील्ड होगा, टोटल फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो हुआ ई थ्री बोथ इन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों को ऐड कर देंगे सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक, इस रीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट रीजन में, ओके दोनों आर पॉइंटिंग दिस वे, तो रिजल्टिंग फील्ड भी इधर ही होगा. ठीक है, तो दैट विल बी सिग्मा वन, दोनों ऐड होंगे वेक्टर पॉइंटिंग इन सेम डायरेक्शन, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू टू एप्सिलॉन नॉट. ओके ठीक है, नाउ इन दिस रीजन बिटवीन द प्लेट्स दोनों आर ऑपोजिट बट दोनों इक्वल तो नहीं है ना. ओके तो रिजल्टिंग फील्ड जो होगा वो बिगर के डायरेक्शन में होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ईवन बड़ा होगा, ईवन कब बड़ा होगा, जब इसका डेंसिटी, जब इस ईवन सिग्मा वन जब बड़ा होगा, ई टू कब बड़ा होगा, जब सिग्मा टू बड़ा होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो जो भी ईवन या ई टू में से ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में आपका रिजल्टिंग फील्ड बनेगा. एंड इन द सेकेंड रीजन ई सेकेंड, यहां पे बिगर माइनस स्मॉलर आएगा, मुझे नहीं पता है कि बिगर कौन सा है, तो यहां पे हम सिंबल यूज करते हैं सिग्मा वन डिफरेंस, ये डिफरेंस का सिंबल होता है सिग्मा
टू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट. फाइन, दिस इज माइनस बेसिकली, बट इस डिफरेंस का सिंबल है कि बिगर माइनस स्मॉलर. ओके, होप दिस इज क्लियर. तो अब यहां पे इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं. ठीक है, इसमें स्पेशल केस जब लेते हैं तो देन ये देखो बेटा, लेट सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू, लेट बोथ द प्लेट्स हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी. ओके, तो उस सिचुएशन में आपका फर्स्ट रीजन जो होगा, फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगा वो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, तो ये दोनों बराबर हो गए. लेट बोथ आर इक्वल टू सिग्मा, चलो ये होगा टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, एंड वी आर गेटिंग सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. ये आपके फर्स्ट रीजन का हाल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फर्स्ट रीजन एट एनी पॉइंट. सेकेंड रीजन में दोनों बराबर हो गए, तो दोनों जब बराबर हो गए, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू, बोथ आर इक्वल, ये अज्यूम किया सिग्मा वन सिग्मा टू है ना, तो जब दोनों इक्वल हो गए तो दोनों कैंसिल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकेंड रीजन में किसी भी पॉइंट के ऊपर जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स जीरो. ओके, नाउ इन द थर्ड सिनेरियो, थर्ड सिचुएशन, ये थर्ड रीजन जो है हमारा, थर्ड रीजन दिस वे. ओके, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू बोथ आर इक्वल. ओके, रिजल्टिंग फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. फाइन, तो सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू वाला सिचुएशन होगा, रिजल्टिंग फील्ड विल बी दैट वे ओनली आउटर साइड. ठीक है, और दोनों क्या करेंगे, ई थ्री इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा है ना, टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो दिस विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना थर्ड रीजन में होगा. ठीक है, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विल बी जीरो, इस रीजन में इट विल बी दिस वे. ओके, और वैल्यू होगा उसका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, और इस रीजन में इट विल बी दिस वे, उसका वैल्यू भी वही सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक, नाउ जो दूसरा सिचुएशन है हमारे पास, दूसरा सिचुएशन इज व्हेन दीज प्लेट्स दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड. ओके, प्लेट्स आर ऑपोजिटली चार्ज्ड लाइक दिस. ओके, तो इसमें भी वही हमारे पास तीन रीजन्स बनेंगे, पॉइंट मे बी इन दिस रीजन नंबर वन, पॉइंट मे बी इन दिस रीजन टू बिटवीन द प्लेट्स, एंड पॉइंट मे बी इन दिस रीजन थर्ड आउटर साइड. ओके, तो हाउ विल बी गोइंग अहेड नाउ. फाइन, now in first region let the point is okay here, so this positive plate will be making, will be inducing electric field over here in this direction E1, which will be equal to sigma 1 over 2 epsilon naught. This is negative plate, ye negative plate unit positive test charge ko attract karegi. तो E2 सेकेंड प्लेट के कारण E2 विल बी दिस वे, उल्टा E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, वट एवर सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी बिगर, ओके दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओके विल बी मोर. ओके, जो लेसर होगा वो लेसर होगा. ठीक है, नाउ इन दिस रीजन पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल बी रिपेल्ड दिस वे E1, sigma 1 over 2 epsilon naught. Second plate, negative. तो इसके कारण negative है, unit positive test charge को ये इस तरह से attract करेगा. Okay, E2, sigma 2 over 2 epsilon naught. Okay, now the third region ये अपना ये रहा, positive plate के कारण, positive plate के कारण, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस E1, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अब यहां रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, सिग्मा वन ओवर टू एप्सिलॉन नॉट. ठीक, नाउ इस नेगेटिव प्लेट के कारण इट विल बी दिस वे, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव प्लेट, E2 इज इक्वल टू सिग्मा टू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ रिजल्टिंग फील्ड इन द रीजन्स विल बी, नाउ फर्स्ट रीजन में दोनों ऑपोजिट हैं, तो
जो भी डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन द फर्स्ट रीजन विल बी सिग्मा वन डिफरेंस सिग्मा टू, ओके, एंड द रिजल्टिंग फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। इवन बड़ा होगा तो इट विल बी दिस वे, ई टू बड़ा होगा तो दिस वे, ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ सेकेंड रीजन में क्या होगा, दोनों आर दिस वे सेम डायरेक्शन, तो बोथ विल बी एडेड टुगेदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा सेकेंड रीजन में अगर कोई पॉइंट होगा तो दैट विल बी सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, थर्ड रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थर्ड रीजन में दोनों क्या है ऑपोजिट, तो बिगर माइनस स्मॉलर अगेन, वट एवर विल बी ग्रेटर दैट विल बी रिटन फर्स्ट, ठीक है, देन डिफरेंस सिग्मा टू बिकॉज वी आर नॉट अवेयर, इस कारण से हमने डिफरेंस का सिंबल यूज किया है। ओके, जब ये स्पेसिफिक होता है कि बिगर कौन सा है तब हम माइनस लिख देते हैं। डिफरेंस का मतलब ये है कि लेना तो डिफरेंस माइनस करना है लेकिन बिगर विल कम फर्स्ट, टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब यहां पर हम स्पेसिफिक केस लेते हैं, इसका स्पेसिफिक केस इज वैन सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू, मतलब दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर हैं एंड बोथ आर इक्वल टू सिग्मा। ओके, नाउ एज दीज बोथ आर ऑपोजिट डिफरेंस, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों कैंसिल करेंगी, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया जीरो। ओके, सेकेंड रीजन में दोनों एड कर रहे हैं सेकेंड रीजन में, और सेकेंड रीजन में वी आर गेटिंग ई टू इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वो टू कैंसिल हो जाएगा सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन विल बी ये सिग्मा वन डिफरेंस सिग्मा टू दोनों, ठीक है, तो इट विल बी कैंसलिंग ईच अदर, तो यहां पे बनेगा जीरो। मतलब यहां पे प्लेट्स का जो आउटर रीजन है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल गेट जीरो और प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड विल बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसको आराम से रीडू करना है। फाइन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।